समाजसेवी द्वारा कराया गया पंचायत को सैनिटाइज। कौशल किशोर के साथ गोपाल कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल की दूसरी लहर से त्रस्त आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए समाजसेवी भी अब आगे आने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पातेपुर प्रखंड के बकाड पंचायत में समाजसेवी द्वारा पूरे पंचायत को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों ने समाजसेवी द्वारा उठाए गए इस कदम की काफी सराहना की है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के बकाड पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी डॉक्टर शमशाद के पुत्र मोहम्मद सज्जाद अहमद किदवई द्वारा कोरोना के भयावह स्थिति को देखते हुए पूरे पंचायत को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सेवा के भाव से समाजसेवी मोहम्मद सज्जाद द्वारा कराए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा पूरे पंचायत में जोर शोर से चल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉक्टर शमशाद एवं उनके पुत्र मोहम्मद सज्जाद अहमद किदवई शुरू से ही समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से हमेशा तत्पर रहे हैं। पिछले कोरोना काल में यह परिवार पूरे पंचायत में 8,200 लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया था। लोगों ने बताया कि डॉक्टर शमशाद का जिले एवं जिले से बाहर कई शहरों में मैक्स जांच घर चलती है। कोरोना जैसी भयानक महामारी के दौर में आम लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्वयं डॉक्टर शमशाद गांव-गांव में घूमकर लोगों से मास्क लगाने, दिन में कम से कम 4 बार साबुन से हाथ धोने, गर्म पानी से गरारा करने, काढ़ा का सेवन करने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। इस दौरान मोहम्मद सज्जाद अहमद किदवई से बात करने पर उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी में लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहकर कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि महामारी के इस दौर में हम एक दूसरे की मदद कर ही इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। ये अभी जो कोरोना काल है, चूँकि आप मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस कोविड के समय में लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? लोगों से मेरी अपील है कि ये कम से कम अपना हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से नहीं हो सैनिटाइजर तो साबुन से हाथ धोएं, दिन भर में 3-4 बार कम से कम धोना चाहिए, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बना के रखें, एक जगह 4-5 आदमी न जमा हो, समझा ना, दूरी बना करके रखें। क्या कोरोना ऐसी जो भयानक बीमारी है, इस लोगों को सावधानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर में उसका उपयोग करके लोग बच सकते हैं, इसके बारे में? हाँ, इसमें कोरोना में काढ़ा पीना सबसे बेहतरीन चीज़ है, भाप लेना, गलाला करना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हर आदमी को करना चाहिए, समझा ना। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर शमशाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवानपुर कैंजू बकार पंचायत वार्ड नंबर 4। ये जो अभी फातेपुर प्रखंड का जो ये बकार कैंजू पंचायत है, इसमें जो ये सैनिटाइज कराया जा रहा है, ये सैनिटाइज माने कैसे कराया जा रहा है, कौन लोग करवा रहे हैं इसको? ये सैनिटाइज एक्चुअली मैं जाँच घर चलाता हूँ और बकार पंचायत वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। मेरा नाम सज्जाद अहमद किदवई, पिता शमशाद अहमद किदवई। ताजपुर में मैक्स जांच घर के नाम से मेरा संस्था है और समस्तीपुर में भी है संस्था। तो इस महामारी को देखते हुए हमने एक सोचा कि जनहित के लिए ज़रूरी है कि पंचायत में काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और मतलब तराई तराई है, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो हमने इस कदम को उठाया और सैनिटाइज अपनी तरफ से निःशुल्क सैनिटाइज करा रहे हैं पंचायत की सेवा के लिए। और हमारा जांच घर है और वहाँ हम निःशुल्क सभी को यही कह रहे हैं कि अभी इस कोरोना की घड़ी में हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जांच भी किया जा रहा है। जो रूटीन जांच चल रहा है वो रूटीन जांच आके करा लें, CBC MP विदाल जो भी है कराए और डॉक्टर से दिखाए, घबराए नहीं। क्या ये जो इससे पहले भी आप समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्यक्रम? हाँ, इससे पहले भी हमने पिछली बार जब कोरोना महामारी आई तो हमने अपनी तरफ से मास्क बंटवाया, साबुन बंटवाया, जब जाड़े का समय आया था, ठंडक का समय आया था तो हमने कंबल बंटवाया। अभी देखा मैंने कि काफ़ी देर हो रहा है, लोग काफ़ी घबरा रहे हैं, काफ़ी तराही है, काफ़ी परेशानी में लोग हैं, तो हमने सोचा कि सैनिटाइज करा दिया जाए, तो इसलिए हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइज करा। आप अपना नाम बताना चाहिए? मेरा नाम सज्जाद अहमद किदवई, बकार पंचायत वार्ड नंबर 4।